दिल्ली के गोल मार्केट के नजदीक आपके पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने ऑटो पर केजरीवाल के वादा खिलाफी के पोस्टर लगाए, जिस पर लिखा था कि मुझे भी केजरीवाल ने धोखा दिया है और दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी चालक कपिल मिश्रा के साथ हैं। इस पोस्टर में बोराड़ी अथॉरिटी में हो रही रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया गया है। अब तो सिंपल बात है, जिसने केजरीवाल से धोखा खाया सब इकट्ठे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा धोखा ऑटो टैक्सी वालों को दिया गया है। उनको नाम पर ये सरकार बनाई गई, उनका पूरा इस्तेमाल किया गया, कितने लोगों की गाड़ियां तक बिक गई, अपनी गाड़ियों में दिल्ली भर में पोस्टर पर्चे बांटते रहे और सरकार बनाने के बाद कोई मुड़के देखने को तैयार नहीं है, घर में मिलने को तैयार नहीं है, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और ऑटो टैक्सी वाले अब दिल्ली की जनता को बताने के लिए उतर रहे हैं कि धोखेबाज है केजरीवाल और ऑटो टैक्सी वालों को भी धोखा दिया है। जिन्होंने कमीशन खाया वो केजरीवाल के साथ, जिन्होंने धोखा खाया वो कपिल मिश्रा के साथ। वहीं लोगों का कहना है कि खुलेआम दलाली हो रही है और ऑटो वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो दलाल थे पहले अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर दलाली करते थे, केजरीवाल के राज में दरी बिछा के दलाली कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। दस हजार परमिट में घोटाला किया, सिम का घोटाला किया, ये सारी पार्टी घोटालेबाज है, सभी चोर है बिल्कुल। इस मौके पर कपिल मिश्रा के साथ उनके कई समर्थक मौजूद थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।